आज हम बात करेंगे आपके करंट अफेयर्स। मई महीने का करंट अफेयर्स की हम पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना और एक एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिसमें आपके ये मई महीने का करंट अफेयर्स होगा और आपके वन लाइनर ही आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि वन लाइनर में लगभग बहुत ही कम टाइम में आप क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत टाइम लगता है। तो वन लाइनर में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी आप जल्द से कम टाइम में कवर कर लेंगे, यानी कि टॉप 150 क्वेश्चन आपको जिसमें देखने को मिलेंगे और सारे क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिलेंगे, जो आपके ओनली एग्जाम में पूछे जाने के चांस बनेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है आपको पीडीएफ फ्री मिलेगी एकदम पूरी, जिसमें आपको टॉपिक वाइज भी पीडीएफ मिलेगी और आपको इसमें मंथली भी आपको पीडीएफ मिलेगी। तो इसका आपको टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विथ टारगेट, वहाँ पर जाके आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको हर महीने आपको इसकी पीडीएफ मिलती रहेगी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जैसा कि किस भारतीय पर्यावरणविद गोल्डमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किसे सम्मानित किया गया, आलोक शुक्ला को पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित लच्छू महाराज का पुरस्कार किसे मिला, पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार किसे मिला, तो वो मिला आपको कथक की श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है और ये आपको हेमा मालिनी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के बेंच ओपन स्क्वैश का खिताब किसने जीता, तो वो जीता आपके वी सेंथिल कुमार ने। किसने, फ्रांस के बेंच ओपन स्क्वैश का खिताब किसने जीता है, वी सेंथिल कुमार ने इसका खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो किस देश ने जीता है, तो वो आपके अपने जीता भारत ने। किसने, भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के ग्लोबल मीडिया अवार्ड से किसे एआई एंकर को सम्मानित किया गया, तो किसे सम्मानित किया गया, सना को। किसे, सना को सम्मानित किया गया जो इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़ी हुई है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, तो इसको तो आप जरूर अगर एग्जाम में जा रहे हो और खेल संबंधित अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो वो किया गया आपके वैशाली रमेश बाबू को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर विटली अवार्ड विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, तो दूसरी बार ये इनको ये अवार्ड मिला है ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड, जो आपके पूर्णिमा देवी को मिला, तो ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूर्णिमा देवी को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को गिलेर्मो कैनो पुरस्कार 2024 किसे मिला, यूनेस्को गिलेर्मो कैनो पुरस्कार 2024 किसे मिला, तो वो मिला आपके फिलिस्तीन को। किसे, फिलिस्तीन को ये आपके पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड बुक स्टार बुक कवर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया, तो किसे सम्मानित किया गया, ऑक्सफोर्ड बुक स्टार बुक कवर पुरस्कार, तो वो किया गया आपके बावी मेहता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 76वीं बार लाल लीगा 2024 का खिताब किसने जीता, 76वीं बार लाल लीगा 2024 का खिताब किसने जीता है, तो वो जीता आपके रियल मैड्रिड ने। किसने, रियल मैड्रिड ने ये खिताब जीता है 36वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्य 2024 में मानद पाम डी ओर से किसे सम्मानित किया गया, किसे, मानद पाम डी ओर से किसे सम्मानित किया गया, तो वो किया गया आपके मेरिल स्ट्रिप को। किसे, मेरिल स्ट्रिप को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी किसे चुना गया, तो वो चुना गया आपके न्यूयॉर्क टाइम्स को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया, तो वो किया गया आपके रस्किन बॉन्ड को। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। वैसे आपके लगभग सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आपके एक दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि जो यानी कि देखो दिन के आपके लगभग 10 क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स के, और अगर मंथली की बात करें तो यानी कि 25-26 दिन होते हैं, तो आपके लगभग 250+ आपके क्वेश्चन होते हैं, और उसमें से जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि 150+ में वो आपके क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो सारे जो क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट हो सकते हैं, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो किया गया आपके चंद्रकांत सतीजा, किसे? चंद्रकांत सतीजा को शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड में जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? इन स्पेस को सम्मानित किया गया है लीडरशिप अवार्ड से, जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया इन स्पेस को। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित स्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसए के एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में तीसरा स्थान किसे मिला? तो एटीडी में तीसरा स्थान किसे मिला है? तो वो मिला आपके एनटीपीसी को, किसे? एनटीपीसी को इसमें तीसरा आपके स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस फिल्म महोत्सव, कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रैंड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? तो पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? तो वो आपके पायल कपाड़िया। कौन? पायल कपाड़िया पहली भारतीय फिल्म निर्माता है जिनको कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रैंड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है। जीरो वेस्ट टू लैंड फिल्म सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो वह आपके तिरुवनंतपुरम। कौन? तिरुवनंतपुरम। जीरो वेस्ट टू लैंड फिल्म सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो किया गया आपके मेजर राधिका सेन को। ये लगभग आपके कुछ 2 दिन पहले का क्वेश्चन है, तो ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है। वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का चौथा सत्र कहाँ पे आयोजित होगा? वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का चौथा सत्र कहाँ पे आयोजित होगा? तो वो होगा आपके ओटावा में। कहाँ पे? ओटावा में इसका आयोजन आपके होने वाला है। 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का मेजबान कौन सा देश रहने वाला है? तो वो आपके रहने वाला है भारत, और इसकी मेजबान आपके किस राज्य में होगा? तो वो आपके होगा केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो वो आपके किया जाएगा भारत में। कहाँ पे? भारत में आपके इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो वो किया गया आपके नीदरलैंड में। भारत के पहले पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित करेगा? यानी कि भारत भी इसमें भाग लेने वाला है, तो वो है आपके नीदरलैंड में। कहाँ पे? नीदरलैंड में भारत भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने द टॉक वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया है? तो वो किया है आपके जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में इसका आपके वॉक द टॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वैकासी विसागम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वैसाखी विसागम उत्सव कार्यक्रम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो आपके मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। सागा दावा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सागा दावा महोत्सव आपके सिक्किम राज्य में आपके ये त्योहार मनाया जाता है, सागा दावा महोत्सव। पुरातत्वविदों ने कहाँ पर 7,000 साल पुरानी प्राग ऐतिहासिक बस्ती का पता लगाया है? तो 7,000 साल पुरानी प्राग ऐतिहासिक बस्ती का पता कहाँ पे लगाया है? वो लगाया आपके सर्बिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेहमत कहाँ प्रारंभ किया? दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेहमत कहाँ प्रारंभ किया?
वो किया आपके आइसलैंड में। कहाँ पे? आइसलैंड में। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है? तो सर्वाधिक निर्यात कहाँ पे किया है, यानी कि सबसे ज्यादा सामान भारत ने कहाँ पे बेचा है, तो वो है आपके यूए को। कहाँ पे? यूए में सबसे ज्यादा निर्यात किया है भारत ने। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। भारत ने पहली बार भारत पर्व का आयोजन कहाँ पे किया? भारत ने पहली बार भारत पर्व का आयोजन कहाँ पे किया? तो वो किया आपके कांस में। कहाँ पे? कांस में इसका आपके आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त अभ्यास शक्ति किन देशों के बीच हुआ? तो संयुक्त अभ्यास शक्ति किन देशों के बीच हुआ? तो इसमें आपके सिर्फ दो टाइप के आपके क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं, यानी कि संयुक्त अभ्यास शक्ति का आयोजन किस जगह कहाँ पे हुआ है, तो वो आपके मेघालय में इसका आयोजन किया गया है, और ये भारत और फ्रांस के बीच में इसका आपके आयोजन होता है। नेक्स्ट, यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर से में शामिल किया। तो किसे शामिल किया? यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया? तो वो किया आपके पंचतंत्र, रामचरितमानस, सहृदय लोक और लोकन, इन तीनों को शामिल किया है एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 कहाँ पे आयोजित की गई? तो वो की गई आपके नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो वो बनाया आपके कामी रितास शेरपा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बुक ऑफ द ऑनर ने किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? तो देश की सबसे ऊंची सुरंग कहाँ पे है? तो वो आपके सेला सुरंग, जो आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना अनुमान लगाया? तो कितना लगाया? 6.9% आपके ये अनुमान लगाया संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने आपके पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किस देश में माउंट यू ज्वालामुखी फटा है? तो वो फटा है आपके इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ ने मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक एम की पहली खेप कहाँ भेजी गई? तो कहाँ पे भेजी गई? तो भेजी गई आपके अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कश का आयोजन किया है? तो किसके साथ किया? यूएसए और भारत ने मिलकर आयोजन किया है। और कहाँ पे? तो आयोजन किया गया कलकत्ता में। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो वो बनी आपके काम्या कार्तिकेयन। कौन? काम्या। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99 सदस्य देश कौन सा बना है? तो वो बना है आपके स्पेन देश। चक्रवाती तूफान रेमल कहाँ आया है? तो वो आया आपके बंगाल की खाड़ी में। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसका नाम किसने रखा है? तो ओमान देश ने आपका इसका नाम रखा है। नासा ने किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? मुनीब अमीन भट्ट। किसे? मुनीब अमीन भट्ट को नासा ने हॉल ऑफ फेम में मुनीब अमीन भट्ट को शामिल किया है। सातवां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 किन के बीच हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। उमरोई मेघालय में इसका आयोजन आपके किया गया। वैसा कि पहले ही आपके क्वेश्चन हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल कहाँ बनाया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल आपके संयुक्त अरब अमीरात में ये आपके बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने पहली तरह का पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो किया आपके पेरिस फ्रांस में। गेल इंडिया लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ प्रारंभ किया गया? तो आपके किया गया मध्य प्रदेश में। तो कोनो नेशनल पार्क कहाँ पे? वो भी आपके मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ प्रारंभ किया गया? तो वो किया गया आपके ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस
भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ पे करेगी? तो वो करेगी आपके चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आपके काम कब मनाया जाता है? तो 1 मई को आपके अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आपके मनाया जाता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके दिवस है वो भी आपको इसमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलेंगे। जैसे कि महाराष्ट्र गुजरात का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, विश्व हास्य दिवस आपके कब मनाया जाता है? क्योंकि देखो ये लगभग आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, विश्व हास्य दिवस, क्योंकि किसी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपके नहीं पूछा गया तो आपके पूछे जाने के चांस बन सकते हैं। तो 5 मई को ही आपके दिवस मनाया जाता है। और BRO ने, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, आपका स्थापना दिवस कब मनाया? तो 7 मई को आप BRO ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया 7 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व रेड क्वेश्चन, यानी कि विश्व रेड क्रॉस आपके क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको पढ़ना ही है। 8 मई को आपके विश्व रेड क्रॉस दिवस आपके मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो वो की आपके 25 मई को, कब? 25 मई को आपके फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की गई, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को आपके राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपके मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को आपके ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम राज्य का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को आपके सिक्किम राज्य दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके 16 मई को आपके डेंगू दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके 18 मई को आपके अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। पहला मेट्रोलॉजी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो पहला है, तो आपके ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 20 मई को पहला मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट दिवन, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस आपके कब मनाया जाता है? तो आपको मनाया जाता है 21 मई को, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, कब? 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस कब मनाने की घोषणा किए? तो वो की आपके 24 मई को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाने की घोषणा की है 24 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि माउंट एवरेस्ट वगैरह ऐसे दिवस आपके? तो आपके 29 मई को ये आपके दिवस मनाया जाता है। विश्व हंगर दिवस, यानी कि विश्व भूख दिवस आपके 28 मई को मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस आपके कब मनाया जाता है? तो 30 मई को आपके मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके 31 मई को मनाया जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में 26वें नौसेना प्रमुख का पदभार किसने संभाला? तो भारतीय नौसेना में 26वें नौसेना प्रमुख का पदभार किसने संभाला? तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने इनका पदभार संभाला है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन बने? सामंत गोयल रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान प्रमुख बने हैं। आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक पदभार किसने ग्रहण किया? तो किसने किया? मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। T20 विश्व कप के लिए ICC ने किसे रेफरी नियुक्त किया है? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जवागल श्रीनाथ, किसे? जवागल श्रीनाथ को T20 विश्व कप के लिए ICC ने रेफरी नियुक्त किया है। आयुष मंत्रालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय का निदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट,
भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफको के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने आपके दिलीप संघानी, इफको के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट, भारतीय सेना वायुसेना संयुक्त अभ्यास गगन स्काई 2 कहाँ आयोजित किया गया? वो किया गया आपके पंजाब में, जो भारतीय सेना और आपके वायुसेना के बीच में हुआ है पंजाब में इसका आपके आयोजन किया गया है। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया? तो वो किया गया आपके भारत में। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने आपके संजीव पुरी, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष। एसएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके राकेश रंजन बने, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला। कर्मचारी चयन आयोग, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 31 मई 2025 तक बढ़ाया गया है? तो वो आपके समीर वी कामंत। कौन? समीर वी कामंत डीआरडीओ के अध्यक्ष है जिनका कार्यकाल 31 मई 2025 तक बढ़ाया गया है। भारतीय कृषि, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के अध्यक्ष कौन बने? तो वो बने आपके जेठा अहिर। कौन? जेठा अहिर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024-26 के लिए कोलंबो प्रेस की अध्यक्षता किसने ग्रहण की? तो वो की आपके भारत ने। सर्वाधिक जीएसटी हासिल करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो वो आपके महाराष्ट्र रहने वाला शीर्ष राज्य जीएसटी हासिल करने वाला 2024 में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 159 आपके स्थान है, आपके फर्स्ट नॉर्वे, जिसमें पहला स्थान फर्स्ट नॉर्वे का है। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये आपके इंडेक्स को जारी करता है। तो ये आपके तीन टाइप के आपके क्वेश्चन, ये आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? तो फर्स्ट है इसमें चीन और थर्ड आपके भारत। सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली का देश कौन सा है? तो फर्स्ट आपके चीन और थर्ड आपके इसमें भारत। यानी कि दोनों सेम, यानी कि क्वेश्चन के टाइप अलग है पर आपके दोनों में स्थान या आपके सेम रहने वाला, या पे मिस्टेक है, या पे आएगा आपके भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है? तो वो बना है आपके चीन। तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है? तो चीन बना है। नेक्स्ट, एक्सेस नाउ के वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष देश कौन सा है? तो वो आपके भारत। यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो यात्रा पर्यटन सूचकांक में भारत का स्थान 39वां है, 39। और आपके इसमें फर्स्ट रहने वाला आपके यूएसए का फर्स्ट स्थान है। और विश्व आर्थिक मंच इस रिपोर्ट को जारी करता है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन अप्रैल 2024 में शीर्ष विश्व इस्पात उत्पादन में किसने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की? यानी कि किस देश ने इस इस्पात में वृद्धि की है? तो वो पूछा गया, तो इसमें भारत ने वृद्धि की है। और इसमें पहले स्थान पर आपके चीनी है। कौन? चीनी इसमें आपके पहले स्थान पर रहने वाला है। देखो, एक तो आपके रैंक होती है, तो रैंक के मामले में आपके चीन फर्स्ट है। और जो आपके इस साल 2024 में वृद्धि हुई है तो वो आपके भारत है। यानी कि ओनली सिर्फ भारत में आपकी इसकी वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 में भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा किस देश के साथ हुआ है? तो वो हुआ है आपके चीन देश के साथ। पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ शुरू हुई? तो वो आपके हुई है झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? एसबीआई आपके पहला बैंक बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूल T20 विश्व कप 2024 में क्रिकेट टीम का प्रायोजक कौन बना है? तो वो बना आपके दक्षिण अफ्रीका और आपके यूएसए। दक्षिण अफ्रीका और आपके यूएसए अमूल T20 विश्व कप 2024 में क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना है। महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो वो आपके किया जाएगा बांग्लादेश में। थॉमस और उबेर कप का विजेता देश कौन सा है? तो वो आपके चीन इसका विजेता देश है, जिसमें महिला ने भी कप जीता और आपके पुरुष ने भी जीता। यानी कि दोनों का आंसर आपके और दोनों कप और दोनों का आंसर महिला पुरुष आपके सेम लेने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैड्रिड
मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? वो आपके जीता है ईगा स्वीटेक ने। किसने? ईगा स्वीटेक ने मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब जीता है। $100 अरब प्रेषण प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो आपके भारत। कौन सा? भारत देश। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? तो सलीमा टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है। इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम कौन सी है? तो मुंबई सिटी इसकी विजेता टीम है और आपके उप विजेता टीम इसमें आपके मोहन बागान कोलकाता। कौन? कोलकाता आपके इसमें उप विजेता है। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसमें आपकी विजेता टीम आपके जापान है और उप विजेता टीम आपके पाकिस्तान रहने वाली है। पहली प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इम्पोर्टेंट है, तो भारत में आपके इसका आयोजन किया गया है। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप का प्रवाह किसने लॉन्च किया? तो आपके किया है RBI ने, इसको लॉन्च किया है। दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है? तो CNG पर चलने वाली पहली मोटरसाइकिल किसने लॉन्च किया? यानी कि 16 जून को आपके ये शायद लॉन्च होने वाली है। कब? 16 एक मिनट 16 जून को आपके ये बाइक को लॉन्च करने वाले हैं। बाला फैक्ट प्रतियोगिता फेडरेशन कप 2024 में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा ने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो बनी आपके मनिका बत्रा। कौन? मनिका बत्रा टेबल टेनिस में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा की है, तो वो किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से खेल से संबंधित है सुनील छेत्री। नेक्स्ट, इटालियन ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वीटेक ने इसका खिताब जीता है। इटालियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर ने इटालियन ओपन में पुरुष का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में किसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? तो वो तोड़ा आपके दीप्ति जीवन जी ने। किसने? दीप्ति जीवन जी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक कौन बना? तो वो बना आपके प्यूमा इंडिया। कौन? प्यूमा इंडिया एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक बना है। AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी 2029 में कौन करेगा? तो वो आपके करने वाला 2026 में ऑस्ट्रेलिया करेगा और आपके 2029 में आपके करेगा उज्बेकिस्तान। तो दोनों क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो वो किया गया आपके थाईलैंड में, इसका आपके आयोजन किया गया है। कहाँ पे? थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL के संबंधित आपके लगभग ये आपके 3, 4, 5, 6 आपके 7 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि IPL में 2024 का विजेता कौन है? तो आपके कोलकाता इसका विजेता है और उप विजेता आपके इसमें हैदराबाद रहा है। कौन? हैदराबाद। और कोलकाता के कैप्टन कौन है? तो आपके सैयद। और उप विजेता हैदराबाद के कैप्टन कौन है? तो आपके पैट कमिंस। और ये खिताब कोलकाता ने तीसरी बार ये आपके खिताब जीता है कोलकाता ने, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये कौन सा सीजन था आपकी बार? तो ये आपके 17वां सीजन था। और ऑरेंज कैप किसने जीती है? तो विराट कोहली ने जीती है। बाकी आपको रन वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ यही पूछेगा कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रन IPL में किसने बनाए 2024 में? तो बनाए आपके विराट कोहली ने, जिनको ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया है। और पर्पल कैप किसे मिली? तो आपके हर्षल पटेल को, जो आपको सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को मिलती है पर्पल कैप। इमर्जिंग प्लेयर नीतीश रेड्डी को बनाया गया, इमर्जिंग प्लेयर नीतीश रेड्डी को बनाया गया। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आपके सुनील नारायण को बनाया गया। किसको? सुनील नारायण को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? तो वो बनी आपके दीपा कर्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? तो भारतीय नौसेना ने स्मार्ट सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और कहाँ से किया है?
तो वो किया आपके उड़ीसा से, कहाँ से, उड़ीसा से, और ये आपके DRDO द्वारा इस मिसाइल को बनाया गया था। चंद्रमा के ध्रुव पर बर्फ होने के प्रमाण किसने जारी किए, यानी कि चंद्रमा के ध्रुव पर पानी या फिर बर्फ होने के प्रमाण किसने जारी किए, तो आपके इसरो ने इसको जारी किया है। नेक्स्ट, DRDO ने किस लेजर हथियार संबंधित परियोजना का अनावरण किया है, तो दुर्गा टू जो है आपके लेजर हथियार संबंधित परियोजना है, इसका अनावरण आपके DRDO ने किया है। दुनिया का सबसे बड़ा गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया, तो वो आपको खोजा गया मैक्सिको में। कहाँ पे, मैक्सिको में दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है। नेक्स्ट, पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण कहाँ पे किया गया, तो बेंगलुरु में इसका आपके अनावरण किया गया है। पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल परीक्षण प्रक्षेपण किसने किया, तो हाई इंपल्स कंपनी ने इसका सफल परीक्षण किया है। किसने, हाई इंपल्स कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर अग्निशमन का सफल परीक्षण कहाँ से किया, तो कहाँ से किया, तमिलनाडु से इसका आपके सफल परीक्षण किया गया है। अंटार्कटिका में एक रिसर्च स्टेशन बनाने की घोषणा किसने की है, तो भारत ने की है अंटार्कटिका में एक रिसर्च स्टेशन बनाने की घोषणा। इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया, तो वो क्या आपके PS-4 का सफल परीक्षण किया है इसरो ने। चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा किसने की, चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा की आपके किसने, नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया, तो आपके किया जापान ने। जापान इसमें सबसे आगे, यानी कि नेटवर्क के मामले में तो इसका आविष्कार किया आपके जापान ने, 6G प्रोटोटाइप डिवाइस। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ बनाई गई है, तो आपकी बनाई गई है चिली में, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला। HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण किसने किया, यानी कि HIV यानी कि एड्स का सफल परीक्षण जो वह किसने किया, तो आपके आपके अमेरिका ने। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सबसे तेज सबसे शक्तिशाली AI मॉडल GPT-4o किसने लॉन्च किया, तो OpenAI ने इसको लॉन्च किया है। किसने, OpenAI ने इसको लॉन्च किया है, GPT-4o। नेक्स्ट, पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर कहाँ लॉन्च हुआ, तो वो आपके किया है नासा ने। कहाँ पे, नासा ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO ने हवा से सतह मार करने वाले मिसाइल रुद्रा एम टू का सफल परीक्षण कहाँ से किया, तो वो किया आपके उड़ीसा से। कहाँ से, उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण किया गया है। सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री कौन बने, सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री कौन बने, जेरेमिया मैनले। कौन, जेरेमिया मैनले इसके पहले प्रधानमंत्री आपके बने हैं। पनामा के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो वो बने आपके जोस राउल मुलिनो। कौन, जोस राउल मुलिनो पनामा के राष्ट्रपति बने हैं। पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो व्लादिमीर पुतिन पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया, जॉन सिविन्ना। कौन, जॉन सिविन्ना को स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर नियुक्त किया गया। रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया, एक तो आपके राष्ट्रपति आपके व्लादिमीर पुतिन हो गए, और रूस के प्रधानमंत्री आपके मिखाइल मिशुस्टिन। कौन, मिखाइल मिशुस्टिन रूस के प्रधानमंत्री बने हैं। चार देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, चार देश के नए राष्ट्रपति बने आपके इदरिस डेबी। कौन, इदरिस डेबी चार देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने, तो लॉरेंस वॉग आपके सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ताइवान के नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन बने, ताइवान के नए राष्ट्रपति बने आपके लाई चिंग ते, ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो आंद्रेज प्लेनकोविक आपके क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति बने आपके मोहम्मद मोखबर। कौन, मोहम्मद मोखबर आपके ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं। वियतनाम के अगले राष्ट्रपति कौन बने, वो बने आपके ट्रू लैम। कौन,
ट्रू लैम आपके वियतनाम के अगले राष्ट्रपति बने हैं। अल्ला माए हलीना किस देश के प्रधानमंत्री बने, तो चार देश के प्रधानमंत्री बने अल्ला माए हलीना। नेक्स्ट है लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो वो बने आपकी गीता नास नौसेदा। कौन? गीता नास नौसेदा लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। प्ले प्रू अभियान किसने शुरू किया, तो राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी ने आपके प्ले प्रू अभियान को लॉन्च किया गया है। स्कूल ऑन व्हील्स योजना किसने शुरू की, तो मणिपुर राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स योजना को शुरू किया है। वायुसेना ने कहां पर ऑपरेशन बांग की बकेट चलाया, वायुसेना ने कहां पर ऑपरेशन बांग की बकेट चलाया, तो उत्तराखंड में इसको चलाया, जो जंगल की आग को बुझाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया है। तो आज के हमारे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी आपको कोई भी, जैसे कि अभी आपको ज्यादा नेक्स्ट टॉपिक, आपको टॉपिक के बारे में आपको बताया जाए, तो टॉपिक का आप नाम कमेंट कर सकते हैं, और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपके ही मोटिवेशन से मुझे और अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास लेके आ सकूं और डेली आपको रिवीजन भी करा सकूं, जिससे आपके क्वेश्चन नोट्स बनाने की आपको जरूरत ना पड़ेगी, जिससे आपके सिर पर आपने क्लास देखी और आपका सारा रिवीजन क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।